समागम का दूसरा दिन 23 जनवरी 2016 आध्यात्मिक जगत में भक्ति का एक मुख्य चरण है सेवा। समर्पित और निष्काम भाव से सेवा करते सेवादार, जहां एक ओर श्रद्धालु भक्तों के हृदय में प्रेम और स्नेह का भाव जगा देते हैं, वहीं अपने आराध्य की कृपा के पात्र भी सहज में ही बन जाते हैं। समागम ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर समर्पण भाव से सेवा करते निरंकारी मिशन के सेवादार समागम का आधार स्तंभ हैं, चाहे श्रद्धा भाव से लंगर तैयार करना और प्रेम पूर्वक परोसना हो, या स्वच्छ जल की व्यवस्था कर स्नेह पूर्वक वितरित करना। इसी प्रकार सड़कों पर दूर दूर तक कुशलता से ट्रैफिक कंट्रोल करना, समागम ग्राउंड के हर स्थान की साफ सफाई करना, गाइड के रूप में मार्गदर्शन करना आदि अनेकों सेवाएं भक्त सेवादार सतगुरु की कृपा से बड़े ही उत्साह और लगन से निभा रहे थे। सेवा का जो आनंद है, जो उसकी खुशियां हैं, वो इन शब्दों में दास बयां नहीं कर सकता है। सारे सेवा दल 12-12 घंटों की शिफ्ट में भी ड्यूटी कर रहे हैं, कई 8-8 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ एक मिनट भी अगर रुक जाते हैं तो वो थालियों का ब्लॉक बन जाता है। तो निरंतर इनके हाथ भी चल रहे हैं और निरंतर इनकी सेवाएं भी चल रही हैं। सेवा से सुख होत है, सेवा से दुख जाए। सदगुरु के चरणों से जब से जुड़े हैं तब से जीवन में जितनी भी तकलीफें थी वो सेवा करने के ही कारण सब दूर हुई हैं। जब भी हम कोई ऐसी बात महसूस करते हैं कि मन में स्फूर्ति नहीं है, तन में ताकत नहीं है, तो जब भी सेवा करते हैं तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, एक उत्साह सा भर जाता है। यहाँ से समागम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें वैसे कुछ लगता नहीं है। हम लोग सेवा, बाबा जी की सेवा में लगे रहते हैं, यही इसी से आनंद मिलता है। गुरु की सेवा का आनंद ही कुछ और होता है। सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने आनंद से अपनी उत्साह दिखा रहे, इतना उत्साह शायद कहीं नहीं देखने को मिलता जो यहाँ पे निरंकारी परिवार के बीच में देखने को मिलता है। जो सेवा है, जनमानस की सेवा है, भाविक जनों की सेवा है, वही हमारी ईश्वर सेवा है। जो हजारों किलोमीटर से भाविक जन आ रहे हैं उनकी सात संगत की सेवा कर हम आनंद खुशी मनाते हैं। तेईस जनवरी 2016 समागम का दूसरा दिन मुख्य पंडाल में सेवा दल रैली का भव्य आयोजन किया गया। हुजूर बाबा जी के समक्ष भक्त सेवादारों ने खेलों, कर्तव्यों व अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने भक्ति भाव प्रकट किए। सेवादल रैली में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए और जनसभों को सेवा की महत्ता समझाते हुए हुजूर बाबा जी ने फरमाया, कितने प्रकार की सेवाएं हैं इस समागम के दौरान, कितने पहलू हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लंगर है, पकाना है, बांटना है, या फिर हम वॉचर वार्ड देखते हैं, या प्याऊ लगे हुए हैं, या कहीं पर कतारें लगाने का सिलसिला है, पंडाल है, रिहायशी टेंट हैं, अनेकों स्टॉल्स हैं, या फिर ट्रैफिक को देखते हैं, या फिर अन्य साफ सफाई के सिलसिले हैं, या बेसिक यूटिलिटीज अमेनिटीज़ हैं, तो हर जगह पर ये सेवा दल जवान ये बहुत उत्साह के साथ अपना योगदान देते हैं। सेवा दल रैली के संपन्न होने के उपरांत दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम का शुभ आरंभ हुआ। पहले दिन की ही तरह दूसरे दिन के सत्संग कार्यक्रम में
मानवता के मुखारबिंद से विभिन्न भाषाओं में भक्ति के अनेकों रंग प्रवाहित हुए। जाग के अपना कम मुका ले, 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 जिस लैया शंशा बाबा अवतार सिंहजी महाराज अवतारवाणी या पवित्र ग्रंथामध्ये पद क्रमांक 333 मध्ये समजवताना म्हणतात की ही सुंदर काया कोणी दिली आहे, या सृष्टीचा रचनाकार कोण आहे, चंद्र सूर्य तारे आकाशाचा निर्माता कोण आहे, आमच्या बुद्धीचा अक्कल हुशारीचा खेळ रचणारा कोण आहे, मी आलोय कुठून आणि अंतिमला कुठे जायचंय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जर का जाणायची असतील तर सद्गुरूला शरण जाणं फार गरजेचं आहे। पाण्याने तहान भागते हे सांगणारे भरपूर आहेत, परंतु पाणी देणारा जोपर्यंत भेटत नाही ना तोपर्यंत तुमची माझी तहान भागू शकत नाही। ज्याप्रमाणे डोळ्यातील काजळ पाहण्यासाठी आरशाची गरज असते, त्याचप्रमाणे तुमच्या माझ्यातील देव पाहण्यासाठी सद्गुरूची गरज असते। याने दिली उत्तम योनी, मातीचे सोने केले, गोर प्रसंगातून याने जीवाला या तारुण नेले, सूर्य जैसा नभी उगवला अंधाराचा नाश झाला, तैसे तुम्ही हृदयी प्रगटला जीव झाला विश्वव्यापी। सूर्याचं उगवणं व्हावं, मार्गक्रमण चालू व्हावं आणि जग प्रकाशमय व्हायला सुरुवात व्हावी। रात्री मी म्हणणारा अंधार मग आता अस्ताकडे जावा, स्वतःचं अस्तित्व त्याचं संपुष्टात येऊ लागतं त्या अंधाराचं। युगानुयुगे साधू संत महात्म्यांनी गुरुपीर पैगंबरांनी काही असाच संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवला आणि सांगितलं की जर प्रकाशमय जीवन जगायचं असेल तर जीवनामध्ये गरज आहे एका ज्ञान सूर्याची, ज्याच्या जीवनात येण्यानं मग मितुपणाच्या भावनांचा ऱ्हास होऊ लागेल, अज्ञानाचा अंधार संपून जाईल, ज्ञानाचा प्रकाश पडू लागेल, मग सज्जनपणाच्या भावनाच्या प्रेमाच्या जिव्हाळ्याच्या आपुलकीच्या होत्या त्या भावना जिवंत होतील आणि जगू लागतील, अशा भावनांची गरज आहे आणि त्याच्यासाठी जीवनामध्ये सद्गुरूचं येणं गरजेचं आहे। साधू संतांनी संदेश दिला की जोपर्यंत जीवनामध्ये गुरु नाही तोपर्यंत माणसाचं आयुष्य सुरू नाही। एक दूजाचा बना सहारा, गोण्या गोविंदाने नांदा, आहो गोण्या गोविंदाने नांदा, वैर विरोधाच्या पाडून भिंती प्रेमाचा सेतू बांधा, वैर विरोधाच्या पाडून भिंती प्रेमाचा सेतू बांधा, वैर विरोधाच्या पाडून भिंती प्रेमाचा सेतू बांधा। जाती धर्माच्या वर्ण भेदाच्या भिंती पाडून टाका, अशी मनाची मलिनता हे आताच काढून टाका, जाती धर्माच्या वर्ण भेदाच्या भिंती पाडून टाका, अशी मनाची मलिनता हे आताच काढून टाका, अशा फाटक्या स्वैर मनाला, अशा फाटक्या स्वैर मनाला गुरु ज्ञानाने सांधा, आहो गुरु ज्ञानाने
सदाचा पाडून बिंती प्रेमाचा सेतू बांधा. एका कवीने म्हटलेलं आहे की ज्यांची बाग फुलून आली त्यांनी दोन फुले द्यावीत, ज्यांचे सूर जुळून आले त्यांनी दोन गाणी द्यावीत. अर्थात सद्गुरु बाबाजीने तुमची आमची साऱ्यांची बाग फुलवलेली आहे आणि त्या फुलांचा सुगंध आमच्या हृदयामध्ये भरलेला आहे. तेव्हा आमच्या बागेत फुललेली फुलं प्रेमाची फुलं, दिव्य गुणांची फुलं आम्हाला इतरांना द्यायची आणि त्यांचं जीवन फुलवायचं आहे. प्रेमाने त्यांचं आम्हाला जीवन फुलवायचं आहे. सूर्यकुलाचे ज्याचे नाते, सूर्यकुलाशी ज्याचे नाते, त्यांनी थोडा प्रकाश द्यावा. सूर्यकुलाशी ज्याचे नाते त्यांनी थोडा प्रकाश द्यावा. युगायुगाचा अंधार जेते पहाटेचा गावण्यावा. बाबाजीचं स्वप्न आहे की अज्ञानाचा अंधकार या साऱ्या विश्वामध्ये पसरलेला आहे, अद्यापि भ्रमाचा भोपळा फुटत नाही का, तर ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ती होत नाही, सत्य ज्ञानाची प्राप्ती होत नाही आणि युगानयुगे हा मानव अंधाराच्या खाईत कितपत पडलेला आहे. आणि अशा खाईत पडलेल्या मानवाला ब्रह्मनाद नेऊन, ब्रह्माचं ज्ञान देऊन बाबाजी त्या मानवाचं कल्याण करू पाहत आहेत. समागमबद्दल बोलू शकतो की समागम म्हणतात कशाला, समागम असतो कसा. अनेक संतांचं विविध ठिकाणी आलेले संत एकत्र त्यांचं आगमन होणे, एकत्र येणे, याला म्हणतात संत समागम. संत याचा अर्थ काम क्रोध मद मत्सर दंभ अहंकार षडविकाराचा नाश केलेला आहे, अंत केलेला आहे अशा महापुरुषांना संत म्हणतात. आणि संत नेहमी अहो रात्र रात्रंदिवस दुसऱ्याचं हित मनोगत व्यक्त करतात की हे निराकार प्रभू दातार त्यांचं भलं होवो दुसऱ्यासाठी, आणि मनोगत देवाजवळ मागतात, हित देवाजवळ मागतात, त्यांना म्हणतात संत. आणि निरंकार या शब्दाचा अर्थ या निराकार परमात्म्याला घटाघटामध्ये जो महापुरुष पाहतो, जो जीवात्मा पाहतो की जळी स्थळी काष्टी पाशानी हा निराकार परमात्मा भरलेला आहे आणि तोच या ठिकाणी प्रकट झालेला आहे असं म्हणतात हिंदीमध्ये की जिसके हात में सारी दुनिया, जिसके हात में सारी दुनिया उसका साया नजर नाही आता, यू तो झोलियावर देता सबकी मगर देने वाला नजर नाही आता, मगर देने वाला नजर नाही आता. For me all
सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराजांच्या मते निरंकारी मिशन मध्ये वैरद्वेषाला स्थानच नाही, हे प्रेमाचं मिशन आहे, आपुलकीचं मिशन आहे, एकतेचं, एकत्वाचं आणि समानतेचं मिशन आहे। मिशनच्या सिद्धांतानुसार सर्व समान आहेत, एक आहेत, कारण परमात्म्याने जेव्हा ही मानवी सृष्टी बनवली तेव्हा कोणालाही जन्मताच लहान मोठे, गरीब श्रीमंत अथवा जातीपातीच्या नावावर श्रेष्ठ कनिष्ठ बनवले नाही। देवाने निर्माण केलेली सर्व माणसं मूळ स्वरूपामध्ये सर्व समान आहेत, एक आहेत, पण या धरतीवर येऊन भौगोलिक आणि भौतिक परिस्थितीनुसार कोणी उत्तर भारतीय, कोणी बिहारी, कोणी बंगाली, तर कोणी महाराष्ट्रीयन झालं, कोणी जाती धर्माच्या नावाखाली हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई बनत गेलं। पण मात्र ही गोष्ट विसरता कामा नाही की परमात्म्याने तर सर्वांना आपल्या अंशापासूनच बनवले आहे, म्हणून मूळ रूपामध्ये सर्व एक आहेत, समान आहेत। म्हणून जसे ग्रंथांमध्ये सुद्धा म्हटले आहे की गॉड मेड मॅन इन इज अ होन इमेज, तसेच संपूर्ण अवतारवाणीमध्ये शहनशाह बाबा अवतार सिंगजी महाराज अगदी सहजरित्या समजून देतात की एक ज्योती है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र हरिजन इकदी खलकत सारी है। तसेच संत निरंकारी मिशन प्रकाशनच्या माध्यमातून सद्गुरु बाबा गुरुबचन सिंग महाराजांचे विचार गुरुवचन या पुस्तकात वाचायला मिळाले तेव्हा बाबा गुरुबचन सिंग महाराजांनी सुद्धा अगदी सहजरित्या उदाहरणाद्वारे समजावले होते की एखाद्या जत्रेतील मिठाईच्या दुकानात काही साखरेच्या वस्तू ठेवलेल्या असतात, मग त्या साखरेचा हत्ती असतो, तर त्या साखरेचा घोडा असतो, तर त्या साखरेचा उंटसुद्धा असतो, असे अन्य प्राणी त्या साखरेचे बनवलेले असतात। दुकानदाराला हे जरूर माहिती असतं की ह्या सर्व गोष्टी ज्या बनवल्या आहेत त्याचा बाह्य आकार जरी वेगळा असला तरी ह्याच्या आतमध्ये मटेरियल सेम आहे आणि ते म्हणजे साखर। पण जत्रेमध्ये मुलांसमोर जेव्हा ह्या गोष्टी समोर येतात तेव्हा मुलं धावपळ करू लागतात, भांडू लागतात, प्रत्येकजण आपला आवडतं प्राणी घेण्यासाठी भांडू लागतो, कोणाला हत्ती पाहिजे असतो, कोणाला घोडा, तर कोणाला उंट। पण मुलांच्या अज्ञानतेमुळे मुलांना हे माहिती नसतं की ह्यांचा बाह्य आकार जरी वेगळा असला तरी ह्याच्यामध्ये आतमध्ये मटेरियल सेमच आहे आणि ते म्हणजे साखर, म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी समान आहेत, एक आहेत। सांगण्याचा भावार्थ सुद्धा हाच आहे की या संत निरंकारी मिशन सुद्धा तोच संदेश द्यायच आहे, समानतेचा आणि एकतेचा। आणि संत निरंकारी मिशनचे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि प्रांतीय समागम ह्याच्या कृतिबुद्ध रूपाने प्रत्यक्ष पाहायला मिळतं आणि असे समागम एकतेची आणि समानतेची साक्ष देतात। वैर द्वेषाच्या पाळून भिंती प्रेमाचे पोल बांधत जाऊ। वाकई ही सत्संगत ये जो दीवारें होती हैं हमारे मन में खड़ी हो जाती हैं, यही हमारे भक्ति में, हमारे विकास में, हमारे सुख में, हमारे आनंद में बाधा बन जाती है। तो इसके संदर्भ में सत्संगत एक मिसाल दास के जहन में आई। एक लड़की की शादी किसी के घर हो गई जिनका कारोबार चमड़े का था। तो सत्संगत उसने अपने पति से कहना कि आपके घर से बहुत बू आती है, क्योंकि सत्संगत चमड़े का कारोबार है तो बू आना बड़ा स्वाभाविक था। तो उसने अपने पिताजी से बोला उसके घर वाले ने कि पिताजी बहू रानी कहती है कि यहाँ से बहुत बू आती है। तो पिताजी ने कहा बहू रानी से कहो कि कुछ दिन की बात है, इसका इंतज़ाम हो जाएगा, 10-15 दिन लगेंगे। तो सत्संगत करते करते 10-15 दिन बीत गए। तो एक दिन पिताजी ने बहू रानी से पूछा कि बेटे अब आपको बू आती है? तो उसने कहा नहीं पिताजी, आपने इंतज़ाम तो कर दिया है, अब कोई बू नहीं है। तो कहने का भाव ये मन में इतने सूक्ष्मता से ये दीवारें खड़ी हो जाती हैं, एहसास भी नहीं होता, क्योंकि उस बू में रहने के स्वभाव पड़ गया है उस मन को, तो पता ही नहीं चलता कब उसमें जीना आरंभ कर देता है। और वही बहू रानी सत्संगत जब अपने मायके जाती है 10-15 दिन के लिए, तो फिर उस बात का एहसास होता है, फिर उसको ताज़ी हवा मिलती है, फिर दोबारा से जब वापस जाती है उसको बू आती है। तो इसी मिसाल को सत्संगत दास ध्यान में रखकर सोच रहा था कि सद्गुरु बाबा जी
एक ऐसी पावनता, पवित्रता, एक ऐसा सत्संगत निरोग बनाते हैं जिसको सत्संगत हम इस संत समागम में आकर, संगत में आकर, महात्माओं का संग करके उससे हम, हमारी सेहत बनती है, मानसिक विकास होता है, आत्मिक विकास होता है। और जो ही सत्संगत इस मन में विकार हावी होते हैं, ये दीवारें पनपती हैं, तो मन को बेचैनी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। पर इसका एहसास तभी होता है जब पावनता, पवित्रता सतगुरु की कृपा से मन में स्थापित होती है। गुरु जाने तारीला हा संसार पुरु म्हणून अत्याधारू विशेष विवेकावरी जो हृदयी माईबापान हृदयामध्ये जो सद्गुरु स्थान करतो ना तो सद्गुरु वेगळा आहे। म्हणून माईबापान हे सद्गुरु नेमक्या माईबापान प्रेमाची भावना, शांततेची भावना, स्थिरतेची भावना, आनंदाची भावना जगाच्या पाठीवर फक्त आणि फक्त निरंकारीच बाबा देतात। कुणाला शांतता नाहीये, कोण स्थिर मन नाहीये, कोण आनंदी नाहीये, कोण खुशीमध्ये नाहीये, फक्त म्हणतात की जसं निरंकारी मिशनमध्ये संत म्हणतात की आग लगी बस्ती में और मेरे ब्रह्मज्ञानी संत रहे मस्ती में। जीवनामध्ये आनंद, जीवनामध्ये मैबापानं ती नशा जर असेल ना, फक्त आणि फक्त मैबापानं या सद्गुरूंच्या चरणावर आहे। आणि फक्त हे एकच करतात की जसं माऊली देखील म्हणतात की पाहे पा कापसाच्या पोटी कापडाची पेटी, पाहे पा कापसाच्या पेटी कापडाची पेटी, अरे रिगो तयाच्या दिठी कापडच झाला। आमचा शेतकरी वर्ग मैबापाड, ज्यावेळेस कापसाची लागत झाल्यानंतर कापूस काढायला जाणारा शेतकरी, ज्यावेळेस कापस त्या मैबापाड वाळलेल्या भुंडातून काढतो आणि एका पिशवीमध्ये थैलीमध्ये टाकतो ना, पांढरा शुभ्र कापड आहे तो, कापूस आहे म्हणा, त्या पिशवीमध्ये टाकत असताना तो शेतकरी मैबापाड तोच कापूस मैबापाड पॅकिंग करून सुदगिरणीला पाठवतो। सुदगिरण्यावर, सुदगिरणीवरती त्याच्यावरती प्रक्रिया होते, त्याच्यावरती नाना प्रकारची प्रक्रिया होते, त्याचा तागा निघतो, नंतर माईबापानं कापड तयार होतं आणि तेच कापड मार्केटला विकायला येत आहे। तत्वताचं माईबापानं तोच सतग्रस्त माईबापानं तोच कापूस विकणारा शेतकरी, त्याच कापसामध्ये कापड दडलेलं होतं पण ते त्याला माहिती नव्हतं, ते माईबापानं ते सुदगिरणीच्या माध्यमातून त्याच्यावरती प्रक्रिया झाली, त्यावेळेस माईबापानं कापसातलं कापड प्रकट झालं। त्या तद्वतच या देहातला देव नव्हे तर या सृष्टीत लपलेला देव संतहीन माईबापानं सद्गुरु यांच्या देहावरती प्रक्रिया झाली आणि देहाला देवाचं महत्त्व कळलं। पाईल पोरात रमलास तू, संसारी दंग झालास तू, मोहमायेच्या मोहमायेच्या या सागरी लाट सवे तू वाहू नको, मोह माये चाया सागरी लाट सवे तुवाहू नको, आहे अनमोल जीवन तुझे आड मार्गाने जाऊ नको। या संत जनानो वास्तवात साधू संतांनी ज्याला देव म्हटलेला आहे, साधू संतांनी ज्याला परमात्मा म्हटलेला आहे, साधू संतांनी ज्याला ईश्वर म्हटलेला आहे, तो केवळ आणि केवळ वर्तमान समयाचा सद्गुरू असतो। कारण की जोपर्यंत वर्तमान समयाचा सद्गुरू जीवनात येत नाही तोपर्यंत परमात्मा काय माहितीच पडत नाही, तोपर्यंत देव काय माहितीच पडत नाही, तोपर्यंत ईश्वर काय माहितीच पडत नाही। म्हणून साधू संतांनी निरूपण करताना, निवेदन करताना सांगितलंय की ज्या प्रकारे जगदवंदे जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, मृत्यू लोकीचा तो देवो ज्याचे नाव सद्गुरु रावो, काळ नेतो सकळ लोका परी भीतो गुरुच्या सिका, ज्याची श्रद्धा गुरुचरणासी ते नागवती कळी काळासी, तुका म्हणे गुरुचे शिष्य ज्यांचा मृत्यू करीना नाश। ज्यांच्या जीवनामध्ये असा पूर्ण सद्गुरु, वर्तमान समयाचा सद्गुरु आला
त्याला मृत्यू सुद्धा सलाम मारतो. गुरका बचन बस है जीना ने, गुरका बचन बस है जीना. जल नहीं डोबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले, पाए न साके जाले, पाए न साके जाले. वचन बस है जीनाले, गुरका वचन बस है जीनाले, गुरका वचन बस है जीनाले. हरे हृदय घर खास खुदा का. क्या बात है, क्या बात है. इसको स्वच्छ बनाते जाए. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अरे दिल में दिलवर बस जाए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. बहुत सुने. दिल में दिलवर बस जाएगा जी, अपनापन अपनाते जाए जी जी. जो टूट गए हैं उनको जोड़े. क्या बात है, क्या बात है. सोना ख्याल, सोना ख्याल. जो रूठे उन्हें मनाते जाए, रुखसत हो जाए निंदा नफरत जी जी. सबसे प्यार जताते जाए. बहुत खूब. ज्ञान का अमृत घर घर पहुंचे. क्या बात है, क्या बात है. अरे भाई ज्ञान का अमृत घर घर पहुंचे, ऐसी राह बनाते जाए. क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात. बहुत सुंदर. नफरत वैर की तोड़ दीवारें प्यार के फूल बनाते जाए. धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, सीखे और सिखलाते जाए. नफरत में ना अंधे होकर घर ही अपना जलाते जाए, तो प्यार से सींचे ये धरती. प्यार से सींचे ये धरती, इसको गुलजार बनाते जाए. अरे पानी की तरह इंसानों के अब और न लहू बहाते जाए. न कहीं बिछड़कर अपनों से, ना कहीं बिछड़कर अपनों से रोए पल पल पछताते जाए. हर नफरत वैर की तोड़ दीवारे प्यार के फूल बनाते जाए, प्यार के फूल बनाते जाए. वैर द्वेष ईर्ष्या घृणा, वैर द्वेष ईर्ष्या घृणा या आगीत जळत आहे मनुष्य. त्याच्या या संकुचित विचारामुळे त्याचे फुकट जाता आयुष्य. पण आध्यात्मिक जागृतीने मानवात प्रस्थापित होईल मानवता. मानवी गुणांनी युक्त झाला तर मनुष्य बनू शकतो देवता. मानवी गुणांनी युक्त झाला तर मनुष्य बनू शकतो देवता. म्हणून माणसा, म्हणून माणसा आध्यात्मिक जागृतीने भेदभावाच्या पलीकडे जाऊ, वैरद्वेषाच्या पाडून भिंती प्रेमाचे पुल बांधत जाऊ, प्रेमाचे पुल बांधत. आवा भैया, अब दुनिया में सोवत लोग जगावल जाए कि संत समागम सतगुर दर्शन. संदेशा पहुंचावल जाए, संत समागम सतगुरु दर्शन ई संदेशा पहुंचावल जाए कि प्यार का सागर यहाँ बहत बा, प्यार का सागर यहाँ बहत बा. अरे अमृत पान करावल जाए, अमृत पान करावल जाए कि निंदा नफरत द्वेष ईर्ष्या
सबके मन से हटावल जाए कि जैसे कबौ न बोल चाल जैसे जी जी जैसे कबौ न बोल चाल बा अरे ओसे हाथ मिलावल जाए नफरत वैर के दीवार तोड़ के प्यार कबूल बनावल जाए प्यार कबूल बनावल जाए। संतांचा ग्रंथांचा पंथांचा आणि महंतांचा मानवाला हाच एक संदेश आहे की त्यानं सर्वप्रथम आपल्या हिताला जागावं की त्यानं सर्वप्रथम आपल्या हिताला जागावं आणि या जीवनरूपी बागेत फिरता फिरता सर्वांशी कसं प्रेमानं यावं कारण प्रेम हे सार्थ आहे। कारण प्रेम हे सार्थ आहे, प्रेमामुळे जीवनाला अर्थ आहे आणि प्रेम जर जीवनात नसेल तर सारं काही व्यर्थ आहे। प्रेम हा सत्याचा प्रकाश आहे, प्रेम हा सत्याचा प्रकाश आहे, भावनांचा व्यापक आकाश आहे आणि जीवनात जर प्रेम असेल तर सारं काही झकास आहे। अहो प्रेम हा बंध आहे, प्रेम बंध आहे, प्रेम हा बंध आहे, प्रेम हा सुगंध आहे, मधुर असा मकरंद आहे आणि ज्याच्या जीवनात ज्याच्या मनात प्रेम भरलंय पहा तो किती आनंदी आहे। जिधर भी देखे उधर खडी, जिधर भी देखे उधर खड़ी, नफरत की आज दीवारें हैं, अरे दिल ही दिल से मिल न पाता, दिल में पड़ी दरारें हैं। मार रहा मानव को मानव, मार रहा मानव को मानव, आपस में तकरारे हैं, अरे कैसे हाथ मिले हाथों से जब हाथों में तलवारें हैं। दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, अरे दोस्ती का हाथ बढ़ाते जाएं, नफरत वैर की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाएं, प्यार के पुल बनाते जाएं। संत निरंकार मिशन चा पावन महान ग्रंथ संपूर्ण अवतरणामध्ये शहशा बाबा अवतार सिंग महाराज आपल्या पावन वाणीतून मानव मात्राला दिव्य संदेश देतात। सद्गुरु येत असे जगती सुखमय करण्याशी संसार, सद्गुरु येत असे जगती केवळ करण्या परोपकार। आज संपूर्ण विश्वामध्ये माझे सद्गुरु निरंकारी बाबाजी बंधुत्व एकवतो प्रेम शांती स्थापन करण्याचं महान कार्य अशा विशाल संत समागमाच्या माध्यमातून करत आहेत। एकनिष्ठा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंग महाराजांनी या धर्तीवर मानवतेचे आणि प्रेमाचे पूल बांधण्याचे महान श्रेष्ठ कार्य हाती घेतले आहे। विश्व बंधुत्व वसुदेव कुटुंबकम या मिशनच्या ब्रीद वाक्याप्रमाणे आज संत निरंकार मिशनचे हे परोपकाराचे श्रेष्ठ महान कार्य आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे। बाह्य स्वरूपाची सेवा हे मिशनचे ध्येय नसून ब्रह्मज्ञान भगवत भक्तीच्या संस्काराने एक मानवतेचे अमूल्य सिद्धांत जोपासणारं मिशन म्हणजे संत निरंकार मिशन। संत निरंकार मिशन हे एक आध्यात्मिक विचारधारा आहे आणि आज ही आध्यात्मिक विचारधारा साऱ्या मानव मात्रावर आज सद्गुरु बाबाईंच्या कृपाने आज तुम्ही आम्ही प्रवाहित करत आहे। सत्संग मातमी बधा आओ, सत्संग माहडी मडी जाओ, सद्गुरु थी साचु ज्ञान लईने साचा ईश्वर ने जाणी जाओ। सत्संग मातमी बधा नू चक डोड़ सौनु आम तेम घूम तुने ब्रह्म ज्ञान लैने स्थिर थाओ। चितनू चक डोड़ सौनु आम तेम घूम तुने ब्रह्म ज्ञान लैने स्थिर थाओ। सद्गुरु ना वचनो ने जीवन मालावी जीवन सागर तरी ले जो हो ले जो हो ले जो हो ले। राम जाने आदमी को क्या हुआ, तन का उजला मन का मैला हुआ। बाहरी सुंदरता तो बहुत की जा रही है लेकिन उससे भी अधिक जरूरी आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान देने की है। बाहरी प्रदूषण तो कुछ मेजरमेंट लेकर ठीक कर दिए जाएंगे लेकिन जो अंदर का प्रदूषण है वो कैसे दूर होगा, उसका इलाज ये सच्चे पातशाह लेकर आए हैं। एक बार एक
अपनी माँ को पुत्र फोन करता है अब्रॉड से, माँ मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे अब अब्रॉड में ले जाऊँ, मेरे पास सब कुछ सुख सुविधा के साधन हैं और मैं यहाँ पर तेरी सही ढंग से देखभाल करूँ, तेरी सेवा करूँ, तेरे पास रहने का मुझे मौका मिल जाए। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तेरा ध्यान है। वो पुत्र अपने माँ के घर आया, आकर जितनी जमीन जायदाद घर तक सब कुछ बेच दिया कि अब इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो तेरे को अपने साथ ले जाना है। माँ भोली भाली थी, ठीक है बेटा जैसे तू चाहता है अपने साथ ले जा। सब कुछ बेच के बैंक में पैसा ट्रांसफर करके एयरपोर्ट पर ले आया, एयरपोर्ट के बाहर बिठा दिया, कहने लगा मैं अंदर फ्लाइट का पता करके आता हूँ। अंदर चला गया, एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे, शाम तक वापस नहीं आया। तब कहीं जाके सिक्योरिटी वाले ने देखा सुबह से ये बुजुर्ग माता बैठी है, माता जी क्या बात है, मेरा बेटा अंदर पूछने गया है, अभी आता होगा। जब नाम जाकर लिस्ट में देखा तो सर्च किया तो पता लगा वो फ्लाई करके उड़ के जा चुका है। वो माँ उसके पास अब कोई और ठिकाना नहीं, सब कुछ बेच चुकी है, वापिस उसी घर में आके शरण मिल गई एक छोटी सी कोठरी में। एक दो चार महीने बीत गए, उन्होंने कहा कि अब माँ जी अपना इंतजाम कर लो, एक दो चार महीने की बात हो तो बात है, सारी उम्र कौन रखेगा, बदलने को जगह तो बदलूं, अगर बेटा दोबारा आ गया तो फिर वो मुझे ढूंढेगा कहाँ से। ऐसी आज इंसान की हालत हो चुकी है। लेकिन आज ये सच्चे पातशाह हमें इसका शुक्र गुजार करे कि आज इसने हमें ऐसा ये नजारा दे दिया है, जिंदगी जीने का ढंग दे दिया है। ये स्वर्गपुरी का नक्शा नहीं, खुद स्वर्ग उठाकर ले आया और आते आते संतों को भी एक सबक सिखा कर ले आया। स्वर्ग को मरने के बाद लग्जरियस अपार्टमेंट का नाम नहीं है, बल्कि इसने जीते जी हमें ये स्वर्गमयी नज़ारे में बिठा दिया। इसने मानवीय मूल्यों की कदरों कीमत बता दी, हमें इंसानियत से जीने का ढंग सिखा दिया। सगळ्या धर्माचे लोक आपापल्या जातीच्या धर्माच्या रीतिरिवाजानुसार आराधना भक्ती करत आहेत, परंतु मोक्षाचा मुख्य उपाय आहे, स्वयं यमराजाने जी मृत्यूचे देवता यमराज, मोक्षाचा उपाय त्यांनी सांगितलेला आहे आपल्या नचिकेताचं निमित्त करून। नचिकेताला ज्ञान देताना त्यांनी समजवलंय, जर कठोपनिषदमध्ये हा श्लोक आहे, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथारसम नित्यम गंधवच्च यत अनाध्य अनंतम महता परम ध्रुवम निश्चय तन्मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तोच मृत्यूच्या मुखातनं वाचू शकेल की जो हा मानव देह असताना असा जो परमात्मा आहे जो अशब्दम शब्दाने त्याचा बोध होत नाही, अस्पर्शम अंगाला छिटकून आहे पण स्पर्श जाणवत नाही, अरूपम त्याला कोणताही आकार नाही, तथा रसम त्याला कोणताही रस नाही, गंधवैच्य त्याला कुठलाही गंध नाही, जो नित्य आहे सर्वत्र आहे अशा परमात्माला जर का जाणलं तर त्याला मोक्ष प्राप्त होईल, आणि जर का जाणू शकला नाही तर माझ्या मृत्यू लोकामध्ये तर जावंच लागेल, कारण परमात्मा निराकार निर्गुण आहे। गुरु मैं तेरी पद, पापा मैं तेरी पद, हवा मुझे उड़।
हवा विच उड़ती जागी तया डोर हटो चट्टी ना मैं कट्टी जावागी बाबा डोर हटो चट्टी ना मैं कट्टी जावागी सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सच्चे पातशाह दीनदयाल ने पिछले संत समागम में कहा दीवार रहित विश्व साथ हम सब विचार कर लें अपने दिल पर हाथ रख के कर लें कि ये जो सच्चे पातशाह दीनदयाल ने जिस पहला दिन जिस दिन हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई ये ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद क्या हमारी दीवारें नहीं टूट गई। सासंगत पूरी की पूरी जितने भी निरंकारी संत महात्मा है दासी चल अच्छी तरह जानते हैं उसी दिन हमारी दीवारें टूट गई क्योंकि दातार सच्चे पातशाह ने कह दिया तन का मन का धन का अभिमान मत करना सत्संग जात पात वैर नफरत इसका मत करना खाने पीने पहनने की निंदा मत करना जितनी जड़ें हैं सत्संगत उस पर कुठारा घात कर दिया सच्चे पातशाह दीनदयाल ने। अब सत्संगत ये हजूर हैं मेहरबान हैं ये जानते हैं कि जरा याद दिलाने के लिए संसार के लिए जो कहते ही हैं हमें याद दिलाने के लिए कि बेटा पहला प्रण जितना प्रण हमने लिया है याद है उसे याद कर लें हम याद अगर कर लेते हैं तो हमारे मनों से नफरत बैर विरोध की दीवारें ऑटोमेटिक ढह जाएंगी। दयालु मारो सतगुरु विद्यमान सद्गुरु ज्यावेळी एकाद घोषवाक्य देतात त्यावेळी ते घोषवाक्य म्हणजे वर्तमान समाज मनाची वेदना असते। सद्गुरूचं घोषवाक्य म्हणजे द्वैताकडून अद्वैताकडे जाण्याचा मार्ग असतो। सद्गुरूचं घोषवाक्य म्हणजे अनेकत्वाकडून एकत्वाकडे जाण्याचा संदेश असतो। सद्गुरूचं घोषवाक्य म्हणजे आनंदाचा उद्घोष होय आणि म्हणून अर्थात सद्गुरूच्या प्रत्येक घोषवाक्यामध्ये समस्त मानवजातीत सौख्य आणि ऐक्य लपलेलं आहे। यासाठी आम्ही सर्वांनीच
सद्गुरु बाबाजींचं घोष वाक्य केवळ कथा कीर्तन प्रवचन यासाठी न वापरता, काव्य लेखन प्रवचनसाठी यांसाठी न वापरता, सद्गुरु बाबाजींचं घोष वाक्य आमचा जगण्याचा विषय व्हावा, तो आमच्या धारण करण्याचा विषय व्हावा. कारण जगण्यात आनंद आहे, जगण्यात संदेश आहे, जगण्यात आशीर्वाद आहे आणि जगण्यात भक्ती आहे. बाबाजींचं घोषवाक्य, भिंती नसलेलं जग निर्माण करूया. कसल्या आहेत बरं या भिंती? काल सुद्धा बाबाजींनी त्याचा उल्लेख केला. निंदा नफरत ईर्षा वैर द्वेषाच्या भिंती, कुणी हिंदू मुसलमान शीख ईसाई असल्याच्या भिंती, जात धर्म बिरादरीच्या भिंती, रंग वर्ण रूप द्वेषाच्या भिंती, अमीर गरिबीच्या भिंती, अशा अनेक प्रकारच्या भिंती. आम्ही ज्या साधू संतांना ऋषी मुनींना मानतो, ज्यांचे धर्मग्रंथ आम्ही वाचतो, ज्यांचा संदेश आम्ही परस्परांना देतो, कथा कीर्तन पारायण सुद्धा ऐकतो, त्यांनी कधी असा बरं संदेश दिला होता? त्यांनी अशा प्रकारच्या भिंती कधी निर्माण केल्या होत्या? जातीय विषमता कधी निर्माण केली होती? अजिबात नाही. ज्या ज्ञानेश्वर महाराजांना आम्ही मानतो, त्या ज्ञानेश्वर महाराजांचा संदेश होता की जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे. काय सुंदर संकल्प आहे बघा, काय सुंदर संदेश आहे बघा. Talk about walls. There are a number of walls. Years ago, there was a civil rights leader in America, Martin Luther King, and he gave a very famous speech which is quoted all over the world. It's called "I Have a Dream." And he said, "I have a dream when the country will live to the true meaning of its creed and will truly believe that all human beings are created equal." And then he goes further, "I have a dream that one day the children of the former slaves and children of the former slave owners will sit on the table of brotherhood together." And then he goes, "I have a dream that one day the people will be judged by the content of their character, not by the color of their skin." And finally he said, "I have a dream that one day the God's glory will be revealed and people of all color will witness it together." And I was thinking when I read this story, his speech, I said, I wish he could come here and see today with people of all different colors, languages, they are praying together and see witnessing the glory of the Lord together. That's what Baba Hardev Singh Ji Maharaj has done for us, that he revealed the glory of the God together to all the human beings. दिवाली चालो सण दसरा.
what we see is just walls and borders, nowhere human bonding. There is so much violence everywhere, humanity is bleeding. What we see is just walls and borders, nowhere human bonding. Less land, more boundaries, more paces, less of peace. How can we sit at ease and relax? Save us, Lord. 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 Sant Nirankari Mission also feels privileged enough to have amongst us His Excellency Council General of Canada, Honorable Jordan Reeves. May also request Dr. Jimmy Nanda to bring on stage His Excellency Council General of Canada, Honorable Jordan Reeves, on stage. Can we have a big round of applause again for both of them? May also request Reverend Sandeep Khinda ji to welcome His Excellency Council General of Canada, Honorable Jordan Reeves, and extend the greetings on behalf of Sant Nirankari Mission. Brothers and sisters, His Holiness Babaji, say with one loving voice, Sant Nirankari ji. First of all, what an honor and privilege it is to be here. And I'm so graciously humbled to be here for the sixth time with the team of professional doctors here from all over the world. And we have representation this year from all parts of the globe, including Canada, Australia, New Zealand, Spain, Belgium, USA. I mean, you name it, I can go on and on. Germany. And we're just so happy with the outcomes that we've had on this trip. Babaji, I can't begin or even start to express my gratitude for all that you've provided for us, for the opportunity to serve the people of the mission and the people of India. It's been an experience like no other. The common theme I'm hearing from all the doctors and professionals and even the volunteers that are in our tent are that this is a life-changing moment. We come here for a purpose of not knowing what to expect, but when we walk in the tent and see the love of the people, we just totally melt away and we become one with them. And isn't the message, Babaji, oneness? You've taught the oneness and that's what we end up receiving. Friends, ladies and gentlemen, Your Holiness, Babaji. My job as Consul General of Canada here in Mumbai is to promote the very best in relations between our two great countries, Canada and India. Now, with almost 1.3 million Canadians of Indian ethnic origin, with more than 15,000 bright young Indian students studying today at universities in Canada, and with so many Canadian organizations active here in India, well, it is easy to find stories of cooperation and humanity. But I have to say, I have never been more impressed than I was today. And I've never come across a story quite like this one. The foreign doctors here who are working in this camp, you know, it is an honor for me to pay tribute to them. And their charity, I would suggest, is in keeping with the spirit of the Sant Nirankari Mission, which, I might add, is also very much present in Canada through its Oneness Community Centers. And in fact, as the next Nirankari International Samagam
will take place in Toronto from June 28th, and I know the City of Toronto will welcome everyone who participates with open arms. You know, finally, I am glad, Your Holiness, to pay tribute to the spirit of compassion that is so alive right here tonight and right here. Sant janata ti, sant janata ti, sant janata ti sima, Ram namacha mahima, Ram namacha mahima, Ram namacha mahima. नामे तारिले पाषाण नामे तारिले पाषाण नामे तारिले पाषाण नामे तारिले पाषाण नामे उधरिले जन नामे Mahima, Ram namacha Mahima, Ram namacha Mahima. हर हृदय की सुनने वाले कृपा निधान सदगुरु के मुखारविंद से कुछ इस प्रकार की अमृत धारा प्रवाहित हुई। संगत जी, प्रेम से कहना, संगत, महाराष्ट्र के इस संसमागम के दूसरे दिन भी भरपूर आनंदमय घड़ियां बीते हैं। सुबह से जब से सेवा दल के नौजवानों ने सेवा दल की रैली के रूप में सेवा के महत्व को उजागर किया, जिन सेवाओं को लगातार वो निभाते चले जा रहे हैं, और उसके बाद ये सत्संग का जब से आरंभ हुआ है तब से ही एक एक वचन जो हमें श्रवण करने को मिला है वो बहुत प्रेरणादायक आनंददायक रहा है। कैसी भावनाओं से युक्त होकर भक्त जन विचरण करते हैं संसार में, उसकी अभिव्यक्ति जहाँ बोलों के द्वारा की जा रही है वहाँ पर दरअसल कर्म करते हुए ये अपने उन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हीं को एक्सप्रेस करते हैं। जब इसी संसार में विचरण करते हुए ये एक दूसरे का भला मांगते भी हैं और भला करते भी हैं, और उसमें हर प्रकार के योगदान वो देते चले जाते हैं, तो इस तरह से आज का दिन भी इसी प्रकार से ये बीता है, जहाँ पर पूर्ण आनंद की महसूसियत हर किसी ने की है, जहाँ पर एक दूसरे के दर्शन हो रहे हैं,
वहाँ पर ऐसे मधुर वचन श्रवण करके हमें और उत्साह मिल रहा है मानवता की डगर पर टिके रहने के लिए, भक्ति के मार्ग पर बने रहने के लिए। तो इस तरह के प्रेरणादायक वचन हमें श्रवण करने को ये मिल रहे हैं। संत तुकाराम जी की वाणी हो या संत नामदेव जी की वाणी हो या समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी हो या फिर कबीर जी और रविदास जी की वाणी हो या फिर वलियों गुरु पीर पैगंबरों के वचनों को यहाँ पर दोहराया गया हो, ये सब के सब वाकई ही एक महत्वपूर्ण है। संसार का भला होगा अगर इन्हीं वचनों के ऊपर वो कदम उठाकर फूल चढ़ाए जाएंगे। अक्सर कह दिया जाता है कि फूल चढ़ा दिए हैं, तो वो वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब कोई वाह वाह नहीं हुआ करता है। वचनों के ऊपर फूल चढ़ाने का मतलब है कि जो करने के लिए उन्होंने कहा है, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जीवन के, उसको अपनाने और उस पर चलने को ही फूल चढ़ाना कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज भी कितने सुंदर वचन कितनी ही भाषाओं में हमें श्रवण करने को मिले हैं। और अभी अभी आपने देखा हिज एक्सीलेंसी काउंसल जनरल ऑफ कनाडा मिस्टर जॉन रीव्स, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हिम हियर एंड लिसन टू द वर्ड्स ऑफ विजडम एंड ऑल्सो द लव विच ही फेल्ट बाय सीइंग दिस मैमथ गैदरिंग belonging to all fields, from various fields of life, belonging to Maharashtra, belonging to Mumbai, belonging to other states, and even international representation. And also there is representation from Canada, the beautiful country. So we also, as we mentioned yesterday, a large contingent of chiropractor doctors and doctors working in various fields. So that also gives us so much encouragement that so much sacrifice is being made to relieve others of pain. So we all are human beings, we are children of God. There's only one common Father, the Universal Father. We name it as God or Allah or Ishwar or Akal Purakh. We may have so many names, but the entity remains the same. So we are all the members of the one common family, and whose father is this universal Father, God Almighty. So there is no space for hating each other. If we are truly the children of God, then why should we hate each other? Will the father be happy if the father sees children fighting each other? Never. Rather, he will be in pain when he sees the children fighting each other, killing each other, seeing so many brutalities. So that's not the way to make Lord God Almighty happy, as we are seeing that people have certain beliefs that they are doing the work of God by these brutalities, by butchering people, taking lives of innocents, infants. So this is definitely not the way to appease God Almighty, the Universal Father. Definitely, as mentioned in scriptures and all the saints and sages since time immemorial, have always mentioned that God is happy when we shower love, when we have compassion in our hearts, and we always come forward to serve others, as you are seeing so much service
taking place in these grounds, in this small tentage city, a township of tents, where so many saints are residing, and at the same time, there are so many volunteers doing this selfless service. And selfless service is of most importance. People mostly are full of selfishness, but selfless service is paramount. It is on the higher plane. And that's what we are seeing, whether they are chiropractors, doctors, or other team of doctors. There are Sevadal Jawans cleaning the spaces, and they are serving the community langar, and they are working for safety of life and things. And also, there are so many aspects which we are seeing around. And as has been said, and I quote, that a man is truly alive if he is doing for others, and comparing it another step forward, and that is more important, that serving others, working for others, knowing that he is not able to pay back, knowing that. So that is the true selfless feeling. So that's what we are seeing all around here. Bahu Sadh Sangat kehne ka bhav kya hai? Ki yahan par is prakar se ye sevayin ki ja rahi hain, jahan par apna aap samarpit kiya ja raha hai, jahan par kuch bhi aur ichha rakhe bagair, दूसरों की पीड़ा हरने के लिए ये योगदान दिए जा रहे हैं. वरना संसार में खुदगर्जियाँ प्रबल हैं, हर कोई अपनी गर्ज पूरे करने में लगा हुआ है, और उस गर्ज को पूरा करने के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है. अपनी गर्ज पूरी हो जानी चाहिए, उसको यही मतलब होता है. चाहे किसी की जान लेनी पड़े, चाहे किसी को दबाना पड़े, चाहे किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़े, चाहे किसी का शोषण करना पड़े, तो इस प्रकार से इंसान इस गर्ज को, खुदगर्जियों को पूरा करने के लिए ये किसी हद तक जा सकता है, और वो हद तक हर हदें पार करके जा रहा है. ये आज हम रोज़ मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में, खबरों में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं दृश्य कि किस तरह से एक ऐसा मानसिक रोगी हो चुका है इंसान. हालांकि हर इंसान ऐसे नहीं है, बहुत से इंसान हैं बहुत अच्छी सोच रखने वाले हैं, सज्जन प्रवृत्ति वाले हैं, मेल मिलाप में यकीन रखते हैं, तो वो भी हैं इसी संसार में, इसी धरा, इसी धरती पे. लेकिन जो विपरीत अवस्था वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित हो रहे हैं. सबसे ज़्यादा वो सारे ही वातावरण को एक दुखद बनाते चले जा रहे हैं. तो इस तरह से ये खुदगर्जियाँ, ये लालसाएँ, ये इंसान में कितनी प्रबल हो चुकी हैं, लोभ लालच में कितना युक्त, लालसाएँ, तृष्णाएँ, ये तो उठती ही रहती हैं. जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लाइक द वेव्स इन द ओशन. और किसी शायर ने सुंदर शब्दों में कहा है कि अजीब सा रिश्ता है मेरा और ख्वाहिशों के दरमियान, वो मुझे जीने नहीं देती, मैं उन्हें मरने नहीं देता. कि ख्वाहिशें मुझे जीने नहीं देती, एक उठती है उसको दबाता हूँ, दूसरी उठ देती है, उसको दबाता हूँ तीसरी उठ जाती है, तो वो मुझे जीने नहीं देती हैं ख्वाहिशें.
और मैं उसे मरने नहीं देता हूँ, मैं उन डिज़ायर्स को मरने ही नहीं देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक ख्वाहिश और डिज़ायर पावन उत्तम भी है, और वो है जो परमार्थ के ऊपर आधारित है, जो सत्संग परोपकार के ऊपर आधारित है, जो सेवा के ऊपर आधारित है। वो चाहत, वो चाहना, वो वास्तविकता भी मुबारक है। उसका जिंदा रहना ज़रूरी है, उसको कभी मारना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सत्य से दूर ले जाती हैं, जो हमें इंसानियत के म्यार से नीचा कर देती हैं, तो उनका दमन करना ये बहुत लाजिम है, आनंद के लिए, ब्लिस के लिए। उस लिए महापुरुष संत जन इससे ऊपर उठकर सहज जीवन जीने की प्रेरणाएं देते आ रहे हैं, इस सत्य से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। एक सबर, संतोष, कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं, उसकी महत्ता का जिक्र करते हैं। किस तरह से हमने इस निराकार दातार का शुक्राना करना है, एक सबर संतोष के साथ जीवन जीना है, तो जो कंटेंटमेंट से युक्त होता है वो भरा हुआ होता है, वो भरपूर होता है, और जिसमें ये नहीं होता है तो वो खाली खाली सा होता है। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष संत जनों ने जहाँ पैगाम संदेश दिए हैं, वहाँ पर इंसान को ये जागरूक भी किया है कि इंसान इस प्रकार से तू अपने आप को ऐसा रूप दे दे, ऐसी मानसिकता, ऐसी अवस्था अपनी सोच को दे दे जो वास्तविकता में तेरे लिए एक भलाई का एक कारण और साधन बन सकती है। आज तक यही बनी है जरिया और साधन उनके लिए, उनको महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उनका रुतबा बुलंद करने के लिए, जिनकी श्रद्धा से आज नाम लिए जाते हैं। यही वो अवस्था, यही भावनाएं थी उनकी, यही जागरूकता, यही अवेयरनेस और रियलाइजेशन उनको मिली थी, जिसके कारण वो पूज्य हो गए, उनका नाम ये रोशन हो गया। तो इस प्रकार से इस मालिक खालिक, इस परमात्मा ईश्वर से नाता जोड़े बगैर ना सबर संतोख मिलता है, ना ही वास्तविकता में हमें वो कंटेंटमेंट मिलती है, ना ही ये सेल्फलेसनेस की भावना ये हमारे मन में पैदा होती है, निष्काम भाव पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए ये महापुरुषों का, संतों का ये कथन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अभंग बोलते हैं, अगर हम श्लोक बोलते हैं, अगर हम कोई और वाणी का इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वास्तविकता में एक एक शब्द का महत्व है, एक एक वचन जो कहा गया है उसका महत्व है, वो यथार्थ वचन है, क्योंकि वो कल्याणकारी हैं, क्योंकि वो सत्य पे आधारित हैं। तो इसलिए इस सत्य परमात्मा ईश्वर इस निराकार से नाता जोड़ने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि इसी की बदौलत तो चल रहा है सब कुछ। इंसानी है जो झूठे अभिमान में आ जाता है। ताकत तो इस मालिक खालिक की है, चाले है शरीरा कौण्या चे सच्चे, कि ये कौन सी ताकत से ये शरीर चल रहा है, कौन बोल भी तो हरि बिना, कि ये बोल भी रही है जुबान तो ये हरि की कृपा से बोल रही है। तो इस प्रकार से ये मालिक खालिक परमात्मा को महत्ता जीवन में जो देते हैं, वो खुद महत्वपूर्ण बन जाते हैं, वो वास्तविकता में उनका रुतबा बुलंद हो जाता है, क्योंकि वो इस मालिक को विशेषता देते हैं जीवन में, वो इसको प्रोमिनेंस देते हैं, इसलिए वो खुद प्रोमिनेंट हो गए। इस मालिक को प्रोमिनेंस देना का मतलब यही है कि जो इससे अपने मन का नाता तोड़ते नहीं हैं, जो कभी भी झूठा अभिमान करते नहीं हैं,
जो हर इंसान के प्रति सद्भावनाएं मन में रखते हैं, जो दूसरों के लिए काम आने के जज्बे रखते हैं, तो वो वास्तविकता में माने जाते हैं कि वो प्रभु के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। वो इससे नाता उन्होंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि उनके मन की भावनाएं सुंदर बनी हुई हैं, तो वो प्रमाणित होता है कि ये जुड़ा हुआ है, इस मालिक से जुड़ा हुआ है। ये गर्ज और खुदगर्जियों से ऊपर है, ये अहम और झूठे अभिमान से ऊपर है, ये लोभ और प्रलोभनों से ऊपर है। ये अपना आप कुर्बान कर देगा, दूसरे को दुख देने को तैयार ना होगा। ये वास्तविकता में ये हरि के साथ इस कदर ये घुला मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों की वाणी ये युगों युगों से इंसान को ये जागरूकता ये देती आई है, और आज भी कल भी इस समागम के अवसर पर महापुरुषों ने इसी पे आधारित ये वचन हमारे सामने रखे हैं। कवि सज्जनों ने भी कल भी आज भी इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली है। जहाँ पर दीवारों की बात की गई है, दीवारों को गिराने की बात कही गई है, वहाँ पर पुलों की अहमियत के बारे में उजागर किया गया है, क्योंकि जो साधन बनते हैं, जैसे दास ने पीछे भी यही कहा कि वी शुड मेक ब्रिजेस एंड वी आवरसेल्व्स शुड आल्सो बिकम ब्रिजेस, कि हम खुद भी वो पुल बने ताकि एक दूसरे को मिलाने वाले बने। पुल क्या करता है? वो एक दूसरे को मिलाता है। तो इसी तरह से हम औरों के बीच भी नज़दीकत बनाएं, और हम खुद भी जरिया बने, हम खुद भी वो साधन बने, हम खुद भी वो ब्रिज पुल बने दूसरों को मिलाने के लिए। तो इस तरह से ये एक जागरूकता ये दी जा रही है, और वास्तविकता में यही कार्य युगों युगों से संतों महात्माओं का रहा है। क्या उन्होंने एक दूसरे से एक दूसरे को दूर किया था? उन्होंने अगर दूर किया था तो अज्ञानता से दूर किया था, उन्होंने अगर दूर किया था तो विपरीत भावनाओं से दूर किया था, अगर उन्होंने दूर किसी को किया था तो संकीर्णताओं से दूर किया था। उन्होंने इंसान और इंसान के बीच दूरियां पैदा नहीं की थी, इसलिए उन्होंने पुल बनाए भी और वो खुद पुल बने भी। इस कदर उन्होंने जोड़ा, इस कदर सारी मानवता को इस धागे में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और उसमें एक धागा होता है, थ्रेड होता है, वो उनको जोड़ देता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने, भक्तों ने ये परमात्मा ईश्वर रूपी धागा, ये प्रेम रूपी धागा, इसी में ये तमाम फूलों को पिरो डाला, और वो फूल जब पिरो दिए गए धागे के सहारे, वो गले का हार बन गए, गले की शोभा बन गए। एक इस प्रकार से चारों तरफ के हालातों को सुंदर बनाने के लिए ऐसी ही देन की ज़रूरत है, और जो भी ऐसी देन देता है वो मुबारकबाद का पात्र हुआ करता है, वो माना जाता है वो जागरूक है, माना जाता है कि वो महापुरुषों का सच्चे मायनों में पैरोकार है, उसी के बदौलत धर्म जिंदा रह सकता है। ऐसी अवस्था वालों के कारण ही धर्म की जय जयकार हो सकती है, वरना तो आज धर्म भी बदनाम होते चले जा रहे हैं। वो भी इसी कारण के इंसान शैतान और हैवान बनता चला जा रहा है। तो इसलिए महापुरुष संतजन आज भी हमें वही जागरूकता दे रहे थे कि वाकई हमने धर्म को जिंदा रखना है, और धर्म, सच्चा धर्म मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। इस इंसानियत और मानवता के धर्म को जिंदा रख लिया हमने तो वास्तविकता में यही धर्म, ये हमेशा ही इसकी जय जयकार होती रहेगी। तो आओ साध संगत, दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि सभी इंसानों को एहसास मिले जिस डिल्यूजन में जी रहे हैं,
as I often mention, that self-delusion is like somebody pulling in his stomach while stepping on the weighing scale. Pulling in the stomach doesn't show your less weight. You weigh as you were before. So that sort of self-delusion people often carry, that we are indeed religious persons because we perform such rites and rituals and dogmas. We go to pilgrimages and so many ways we adapt. So for that matter, we are true follower of God Almighty. We are true follower of the prophets and saints. So that is self-delusion if you are not following the path in the spirit and the way it is required. तो इस प्रकार से यही एक इंसान को जो खुश फहमी जो गलत फहमियाँ बनी हुई हैं जिसके कारण वो अपने आप को इस तरह से मान रहा है और उस जो पहले ही अस्तित्व नहीं है जो पहले ही सत्य के ऊपर आधारित उसका ये परमार्थ और भक्ति और धार्मिक होने वाला वजूद ही नहीं है जो बेस ही वो पूर्ण उस पर खरी नहीं उतर रही है तो फिर बाकी उसके ऊपर खरा क्या उतरेगा तो आओ साध संगत यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम हैं हर इंसान के लिए जो सतयुग में दिया गया जो त्रेता में दिया गया जो द्वापर में दिया गया जो कलयुग में दिया गया किसी पैगंबर किसी बलि के द्वारा वो हर वचन वो हर शिक्षा वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें तज दे ये वैर वास्ते तज दे ये संकीर्णताएँ और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियाँ और ऊपर उठ जाए इन झूठे अभिमानों से ऊपर उठ जाए लोभ लालच से और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए जैसे वो शायर का शेर ध्यान में आया है कि अजीब सी बस्ती में मेरा मकान है जहाँ लोग झांकते ज़्यादा हैं मिलते कम हैं कि झांकते हैं वो देखो वो क्या हो रहा है वो देखो उसने वो ये बोला वो बहू सास वो देखो बस झांकेंगे उधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है लेकिन मिलेंगे नहीं मिलजुल कर कुछ सुलह सफाई कराएंगे नहीं मिलजुल कर कोई इस तरह से समीपता पैदा नहीं करेंगे केवल झांकते हैं तमाशे देखते हैं तो इस प्रकार के नहीं वो उनकी ज़रूरत है जो वास्तविकता में ऐसे अपने आप को शरीक कर देते हैं जो दूसरों की बातों के ऊपर जैसे आज भी शायद कल जिक्र हुआ कि लोग तो नमक उठाकर घूमते फिरते हैं ज़रा सा ज़ख्म तो दिखाई दे बस वहीं पर उस नमक को फेंकने को तैयार है उसकी पीड़ा को और बढ़ाने को तैयार है कीजिए ना दस में बैठ के आपस की बातचीत पहुँचेगी 10,000 तक आपस की बातचीत गॉसिप मॉन्गर्स वही बात जो झांकते ज़्यादा हैं जो इस प्रकार से केवल बातें ही करते हैं अपना भूल ही जाते हैं कि हमारी क्या फितरत है हम क्या करते हैं हमारी क्या व्यवहार है हमारे वो उसके कोई लेना देना नहीं दूसरों को ही नापते तोलते रहते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे की ही बात करते रहते हैं दूसरों पे ही कीचड़ उछालते रहते हैं लेकिन वास्तविकता में महापुरुषों ने तो जो पाठ पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि आपस को ना सराहिए पर निंदिए नहीं कोई तो इसलिए महापुरुष संत जन ये हमें शिक्षाएं नाना प्रकार की हमारे ही जीवन को शोभा देने के लिए हमारे ही जीवन के तमाम पहलुओं को सुंदर बनाने के लिए ये हमें प्रेरणा ये देते आए हैं और आज भी
ये प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से जो निकाल देते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं करते। अगर कोई सुन के उसको ज़ुबान से दोहरा देता है कुछ हद तक वो पहले वाले से तो बेहतर है, लेकिन वो भी मुकम्मलता नहीं है। मुकम्मलता उसमें है जो सुनकर उसको जज्ब कर लेता है, उसको अपना लेता है, उसको धारण कर लेता है और फिर उसी प्रकार का ये जीवन जी लेता है। उसी की ही महत्ता ये हुआ करती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, यही अरदास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसा सहज जीवन प्रदान करे, सभी की सहजता इस जीवन में ये बनी रहे, इस निराकार दातार को कर्ता मानते हुए इसी की रज़ा में जो सबर संतोष की बात कही, इसी की रज़ा में रहते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। जीवन में नाना प्रकार के पड़ाव आते हैं, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ ये हमेशा जो जीना जानते हैं वाकई ही उनकी एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत उनमें एक सामर्थ्य हुआ करती है। तो ये दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले जा रहे हैं, जहाँ प्यार का जिक्र हो रहा है, नफ़रत का हो रहा है, अभिमान का हो रहा है तो एक निम्रता का हो रहा है, प्यार का हो रहा है तो नफ़रत का हो रहा है, मिलने का हो रहा है तो बिछड़ने का हो रहा है, यानी कि दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले आ रहे हैं। गर्मी है तो सर्दी भी है, नाना प्रकार के पहलू जब हम देखते हैं दोनों ही रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ये महापुरुष भक्त जन भी उसी प्रकार से विचरण करते हैं, जैसे अभी हाल ही में जस्ट फ्यू वीक्स बैक फ्रॉम 27 दिसंबर टू 9th ऑफ जनवरी आई वाज इन द मिडिल ईस्ट इन एमिरेट्स इन ओमान एंड बहरेन एंड ऑन 31st नाइट आई वाज इन दुबई मॉल अलॉन्ग विद अदर सेंट्स belonging to this congregation, and suddenly at 10:30 a fire erupted in Address Hotel. It was so visible because we were in the proximity, just close by is the Dubai Mall. We were having dinner in the open and there was so much confusion going on. And everybody was so concerned and scared what will happen. And people had traveled thousands of miles to see the fireworks which happens on the Burj Khalifa, which has become an attraction globally. And there were so many apprehensions and assumptions that the fireworks won't take place because of the hotel is burning, the inferno taking place. Because of the inferno, the fireworks won't take place, the event will be cancelled. But the government, the authorities, they went ahead with it. And the scenario was such that people standing near the mall, when they turned left side, they were seeing the inferno. And when they turned their head towards the right side, and the fireworks and the celebration of the new year were taking place. People were dancing, joying, and they were congratulating each other, wishing well for each other. So at the same time, we were seeing both the aspects, the joy and the pain. Similarly is our life. It has dimensions, but those who keep their balance, they are stronger, and such strength we get by being one with God Almighty, living with higher values, and always placing ourselves
at the mercy of God Almighty. तो अवसाद संगत इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहता है. दास संगत जी धन्य.